क्या है भोजन? जो भी आने वाले हैं, 10-12 साल के अंदर ही वो एडवांस की बात बताइए। एडवांस में 10-12 साल से आए हैं, 12 साल भी नहीं, 10 साल ज्यादा से ज्यादा, 3 साल पहले की बात है। और बेसिक में तो शुरुआत से ही आए हुए। मोस्टली एडवांस में जो आते हैं वो यज्ञ के आदि में थे या नहीं थे, कम से कम संदेश तो जरूर लेने वाले थे। और ब्रह्मा बाबा बीच में इंटरफेयर करते हैं, ब्रह्मा बाबा बीच में इंटरफेयर करते हैं तो वो मोदी नहीं होता, उससे घर से कला हिंसा हो जाती। बाबा ने गारंटी ली है ना, तुम ऐसे ही समझो कि ये जो बाबा बोलते हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो बाबा बैठा हुआ है संभालने के लिए, जिम्मेदार कौन है? जो बाबा क्यों इंटरफियर करने देता है? कृष्ण बच्चा महात्मा समान एक पॉइंट आया, ये श्रीमत ऐसे कृष्ण बच्चा महात्मा समान, महात्मा समान, उससे ज्यादा महान आत्मा कौन होगा? वो कृष्ण बच्चा के भी ज्यादा कोई महान आत्मा होगा? समान माने कोई और महात्मा है उससे ऊंचा, जिसके समान बोला, तो बड़े भी बड़ा महात्मा कौन? और महात्मा समान कृष्ण बच्चा कौन? सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा वो महात्मा कहेंगे या देवात्मा कहेंगे? वो तो देवात्मा हो गया। फिर संगमयुग में महान आत्मा कौन और महात्मा समान कृष्ण बच्चा कौन? संगम भी कृष्ण है, इसके लिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो महान से महान आत्माओं के बीच में महान कौन हुआ? जो नेक्स्ट टू गॉड है। फिर उस महात्मा के समान कौन? जो नारायण का टाइटल अपने बाप से धारण करता है। उनका आत्मा को बाप क्यों जानते रहते हैं? कभी कभी मुरली में उनके आत्मा को बाप क्यों जानते रहते हैं मुरली में? माना आप ये चाहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण ही बना रहे? नहीं 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 नहीं, इसी कुल के हैं? नहीं, इस कुल के नहीं है, है? है। क्यों पैदा हो रहा है? पैदा हो रहा है माने ये बात वो बात के ऊपर नहीं है, इस बात को, इस बात के नहीं, और उपाय के लिए डांटते हैं। डांटते तो एक ही बात के लिए है कि बच्चा है तो बाप बन के क्यों बैठा है? सीता माता का पति बन के क्यों बैठ गया? अपने कंट्रोल में क्यों चला रहा है?
अपनी मुट्ठी में क्यों रखा हुआ है? जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, उदाहरण खासा बाप शरीर छोड़ देता है तो जिंदगी भर के लिए माता को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं, सारी प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। क्या गीता की भगवान वही प्रूव कर रहे हैं, परंतु कृष्ण वाली आत्मा तो कहते नहीं है ना, मैं गीता की भगवान हूँ। सत्य वाली आत्मा अपने को गीता का भगवान नहीं कहती? सत्य वाली आत्मा जो है वो ये जानती है कि सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि रूपी रंगमंच में साकार भगवान कौन है? गीता का गीता ज्ञान सुनाने वाला साकार भगवान सत्य की आत्मा किसको समझती रही, किसको समझा? अरे क्या आज के प्रजापिता को समझा? नहीं समझा। समझा होता तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम ही नहीं डलवाते। क्या नाम डलवाते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। अब जब ज्ञान नहीं है तो वह डांट भी खाएगा। कोई बच्चा है पढ़ाई पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ता है तो डांट खाता ही नहीं। बात का संकल्प तो बच्चों का संकल्प भी मानना बहुत है। पर बाबा बात का संकल्प क्या है जो बच्चों के मन में भी होना चाहिए जिससे मन बना बहुत स्थिति में रहती है? याद की स्टेज के ऊपर है, जो याद की स्टेज में समानता को पाया हुआ होगा उसके अंदर वही संकल्प चलेंगे जो बाप के अंदर संकल्प चलेंगे, दूसरे संकल्प नहीं कर सकते। पर हमें कैसे पता चलेगा बाप का संकल्प वही हमारे? वो तो वाइब्रेशन से भी पता चलता है, भाषा से भी पता चलता है, एक्ट से भी पता चलता है। संकल्प विरोधी होगा तो भाषा भी विरोधी होगी, भाषा विरोधी होगी संकल्प विरोधी होगा, वाइब्रेशन विरोधी होगा तो परमाणु भी विरोधी होगी, पता नहीं चलेगा। एक ही संकल्प है या अनेक है? एक ही संकल्प है सदा, एक ही संकल्प है ना? आपके मन में जो संकल्प करना एक ही है? एक ही संकल्प हो जाए तो सारे संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। एक ही संकल्प पक्का हो जाए, मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा, तो क्या होगा? निराकारी तो निर्विकारी, निर्विकारी तो निरहंकारी, फिर तो स्थापना हो जाएगी। और जो निराकारी आत्मा है, जो निराकारी स्टेज में टिकी हुई है, वो कोई में भी प्रवेश करके अपना कार्य कर सकती है। वो किसी स्थान में बंधी हुई नहीं है, किसी धर्म में बंधी हुई नहीं है, समय का भी बंधन नहीं है, कोई प्रकार का बंधन नहीं है। जैसे एक सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु निर्बंधन है, वैसे बीज रूप इस शेख में टिकी हुई आत्मा जिसको गीता में कहा गया है स्वरूप निष्ठ, सारे संसार के लिए हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं कर सकता। और हत्या की बात है वो सूक्ष्म है या दुनिया का विनाश होगा तो सूक्ष्म में हत्या होगी या प्रैक्टिकल में हत्या होगी? सारी दुनिया के विनाश के निमित्त कौन?
जिसके लिए बोला है मैं ब्याज उससे कराता हूँ जिसके ऊपर कोई पाप न करे। पाप देवानी के ऊपर, देह अभिमानी के ऊपर करता है या आत्मा के ऊपर करता है? देह अभिमानी होगा तो पापी होगा, पाप करा हुआ होगा। आत्मा अभिमानी होगा तो देवता हो गया। देवता के लिए सिर्फ पापियों की शक्ति का विनाश जरूरी है, अनिवार्य है। साढ़े चार लाख आत्मा जो एक लाख आत्मा है सूर्यवंशी चंद्रवंशी का चर्चा चली हुई है, नहीं तो दूसरे धर्मों का भी चर्चा चली हुई है। साढ़े चार लाख संख्या ही इस बात को सूचित करती है कि जो शरीर से शक्ति पर जीवित बचेंगे वो कितने कुल के होंगे। जो शरीर से शक्ति पर जिंदा रहेंगे वो कौन कौन से कुल के होंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों मिलाकर के, उन दोनों में सब धर्मवंश समाये हुए होंगे। इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन सब की पालना करने वाले होंगे। तो साढ़े चार लाख की संख्या में पचास पचास हजार डिवाइड कर दे तो कितने ग्रुप हुए? नौ ग्रुप हुए। नौ ग्रुप ही ऐसे हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं। दसवां ग्रुप नास्तिकों का है जो भगवान से कोई प्राप्ति नहीं करते, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के निमित्त बनते हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करते, इसलिए उनको कोई राजाई के वर्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब से वहां राजाओं का निराकरण कर दिया गया, चार राजाओं की हत्या कर दी गई, राजाई को पसंद ही नहीं करते और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चाहते, उनका ओरिजिन होता है आर्य समाज से। इनकी आज गवर्नमेंट है पौरव कांग्रेस गवर्नमेंट, उस प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चाहते। इसलिए भारत में दो प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदेशियों के स्वभाव संस्कार को पसंद करने वाली, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों ही नास्तिक हैं। जो नौ ग्रुप है वो साढ़े चार लाख में समाये हुए, वो हर धर्म के बीज है जो राजा ही प्राप्त करने वाले हैं। उनमें पहले जो एक लाख है वो मुख्य सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, इसलिए कोई दूसरे यदि रखते हैं तो लाख कार्यक्रम बनाते हैं। रोज बनाते हैं और रोज बिगाड़ते हैं।
बाबा जी किसको आकर की माला है ना उसने नौकरी किया तो उसने दिगर में तो होगा सदम की हैं लोग सचिन होंगे हैं कभी गर्म नहीं आए हाँ लोग भी आएंगे एक साथ में हाँ उन लोग सचिन होंगे वो बिहार में है या बिहार में होगा खेल का करा हुआ है लेकिन बाबा जो अभी मूल रूप से बिहार में है या बिहारियों का मात्र खिलका करा हुआ है देवान का प्रैक्टिकल में जब 1976 में रावण का अपना जो जून लिए है उसके साथ जो बिहेव कर रहा है वो उसका फायदा नहीं मिलेगा कुछ राम वाली आत्मा किसका भी किसके साथ बिहेव कर रहा है मैंने अपने साथ जो हुआ था 1976 में हाँ तो उन लोग जो किया है कभी क्या जो विरोध किया है हाँ तो उसका भी फायदा नहीं मिलेगा सजा नहीं मिले तो सजा इतनी कम है कि त्रेता के लास्ट जन्म में आकर के उन्हें ताज पत्नी मिल जाता है और चित्रों में राम की राजगति जहाँ दिखाई जाती है वहाँ भाइयों को दास दासी के रूप में दिखाया जाता है ये काम किया गया है ये सजा नहीं है जो बीज है उन बीजों का कभी नाश होता है क्या पता का विनाश हो सकता है त्रेता के अंतिम जन्म की तीन गलतियों में वो नंबर वार प्राप्ति करते हैं जो ऊंची गति है 16 कला संपूर्ण 14 कला संपूर्ण 9 कला संपूर्ण उनमें प्राप्ति नहीं करते हैं 16 हजार उनसे कम हो गए कम जन लेने वाले हो गए 16 हजार कम जन लेने वाले हो गए हाँ वो तीन निगर में जो 84 जन पूरे ले रहे हैं हाँ लेकिन ये 16,000 9,00,000 16,000 180 लिस्ट में आते नहीं है सृष्टि के आदि जब सृष्टि का आदि होता है नई दुनिया की पूरी स्थापना हो जाती है तो दुनिया की आबादी कितनी होती है सतयुग जब कंप्लीट स्थापन हो जाता है तो आबादी कितनी होती है 9,00,000 16,000 108 हाँ शुरुआत में वो पद तैयार नहीं होते 16,000 सतयुग से लेकर के और सतयुग के अंत तक सिर्फ 16 बनेंगे और उनको जन्म देने वाले माँ बाप दोनों मिला के 18 इससे ज्यादा सेंसिटिव नहीं बनेगी पूरी संख्या होती है जाकर त्रेता के अंतिम जन्म में जो पद पाते हैं उस समय जाकर संख्या बनती है पद पाने वालों की सेंसिटिव का पद पाने वाले 16,108 होते हैं उनकी सूची यहाँ होगी अभी आपसे शुरुआत हो रही है 2036 तक उनकी शूटिंग होती रहेगी राज परिवार के तैयार होते रहेंगे उनके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई प्रजा भी तैयार होती रहेगी और एक ही बहुत लोग निकल रहे थे एक दूसरे को खींचते हुए महाराज यहाँ बनती है या सतयुग त्रेता में बनती है संगठन तो यहाँ बनेगी ना वो बने हुए संगठन संसार में यहाँ प्रत्यक्ष होंगे या सतयुग त्रेता में प्रत्यक्ष होंगे यही प्रत्यक्ष होंगे क्योंकि हर धर्म में माला घुमाई जाती है कोई धर्म ऐसा नहीं है जहाँ माला रूपी संगठन की यादगार
की स्मृति ना होती हो तो बात कहाँ की है? संगम युग में मालाएं तैयार होती है, भाई तुमका अनुभव तो लेना ना, माला ही बनती रहेगी, माला भी बनती रहेगी, अनुभव भी लेते रहेगी, आपकी माला बनेगी वो ज्यादा अनुभव लेंगे लंबे समय का, 16,000 की जिंदगी में जो आएगा वो थोड़े समय का अनुभव लेगा, माला भी बनती रहेगी और सुख का चरती कला का सदगति का अनुभव भी लेता रहेगा। राजाओं का राजा धर्मराज बनेगा, धारणा तो मुझे से किया था कभी किसी को ध्यान देने का तो है हाँ मुरली में नहीं बोला धर्मराज की सजाए खा लेंगे अगर मेरी बात ना मानी तो, ये मुरली नहीं बोलती है, मुरली बोलती है ऐसे तब का धारण नहीं किया ना ब्रह्मा बाबा ने, अगर धारण किया उनका देवी दादियों को तभी सुधार है, तो ब्रह्मा बाबा ने धारण किया नहीं किया तो ब्रह्मा बाबा अपने शरीर से सजा भी नहीं खाते, ब्रह्मा बाबा अपने शरीर से धर्मराज सजा खाते हैं क्या? नहीं। हाँ तो फिर जिस सोने द्वारा धर्मराज पाठ बजेगा उस सोने की उनका क्यों है, जिस सोने द्वारा धर्मराज का पाठ बजेगा है उस शरीर का विकट की है क्या है अरे धर्मराज है कौन, धर्म का राजा कौन है, जो धारणाओं का राजा है वो कौन सी आत्मा है, धर्मराज माना धर्म धारणाओं का राजा कौन सी आत्मा है, धारणाओं की वाणी किसने चलाई, ब्रह्मा बाबा के शरीर दादा लेखराज ने चलाई और अभी भी चला रहा है या राम वाली आत्मा चलाती है, राम वाली आत्मा जुड़ी हुई है शिव के साथ, शिव ज्ञान देता है, धारणाओं को धारण करने वाला नहीं है, उसका मूल गुण है सत्य का सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये गुण शिव बाबा के है या कृष्ण के, शिव बाबा के गुण कृष्ण के नहीं हो सकते, शिव बाबा 16 कला संपूर्ण का पाठ नहीं बजाता, वो कलातीत है, जो कलातीत है वही कल्पांतकारी बनता है, विनाशकारी बनता है, जो कलाओं से परे नहीं है कलाओं में बंधा हुआ है वो संसार के विनाश का कार्य नहीं कर सकता, धारणाओं में बंधा हुआ है वो संसार के विनाश का कार्य नहीं कर सकता, और आपका मत तो श्रीमत देते हैं, आप जो मत देते हैं उसे श्रीमत कहा जाता है, श्रीमत सिर्फ स्थूल नियमों से संबंधित है या मन बुद्धि का भी संबंध है, और जो श्रीमत क्या है मन बुद्धि का श्रीमत कहना माना मन बुद्धि की कीमत अलग होनी चाहिए और कर्मेंद्रियों से कर्म करने की कीमत अलग होनी चाहिए, ज्यादातर हम श्रीमत जब बात उपयोग करते हैं श्रीमत पद का जो बात उपयोग करते हैं वो ज्यादातर नियमों के आधारित रहती है, मन बुद्धि की नियम मनुष्य भी बनाते हैं और नियम कायदे कानून भगवान ने भी बनाए हुए हैं, तो कौन से नियमों की बात, मैंने बोला है वो मन बुद्धि में सिखाएंगे तब तक की अपने अगर मन बुद्धि तक ही श्रीमत सीमित रहे तो फिर नई दुनिया कैसे बन जाएगी, प्रैक्टिकल में बनेगी या नहीं बनेगी, क्या चीज क्या है, सीमत ममता के लिए भी है, सीमत वाइब्रेशन के लिए भी है और सीमत वाक्य के लिए भी है और सीमत कर्मणा के लिए भी है,
कर्म इंद्रियों में और वाचा में अगर श्रीमत समाई हुई नहीं है तो वो रावण की श्रीमत है। बाबा स्पष्ट रूप से आप बताइए तो हमको भी आसान रहेगा। हाँ बोलो बोलो, यही है ना बाबा, जो भी श्रीमत है हर एक बात के लिए श्रीमत है बताइए ना। हाँ वो श्रीमत क्या है आप श्रीमत कोई सीमा बोले, महीन से महीन और छोटा का छोटा रूप अगर श्रीमत का लेना हो तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु मेरा बाप बस, इसे आगे पीछे कुछ नहीं, ये श्रीमत का सार हो गया। सार में टिकना है या विस्तार में? तो चले जाओ। हाँ बाबा, एक मरली में ऐसा बोला था बाबा, 5 वर्ष का जीवन कहानी याद रहना चाहिए। 5 वर्ष का जीवन कहानी याद होना चाहिए। अगर भूल गए कहेंगे डर भूल गए, इसका मतलब इसका मतलब ये है कि बाप आते तो जैसे वो गवर्नमेंट पंचवर्षीय योजना बनाती है तो बाप भी 5 ईयर प्लान देते हैं। वो 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान पहली बार में ही सिद्ध हो जाता है, उसको याद रखना चाहिए कि कैसे बैगर टू प्रिंस बनता है। आज में बैगर और 5 ईयर प्लान पूरा होने पर प्रिंस बन जाता है। बैगर के पास तो कुछ भी ना हो, धन पद मान मतवा रोटी कपड़ा मकान अपना कुछ भी नहीं, और जब प्रिंस बन जाता है तो उसे कोई की दर पर भीख मांगने की दरकार नहीं। जिनको दरकार हो वो उसके पास पहुंचे। तो बाप आकर के सालिम बुद्धि बनाते हैं, सॉल्वेंट बनाते हैं और माया इनसॉल्वेंट बना देती है। बाप आकर के 5 वर्ष में ही सॉल्वेंट बना देते हैं, आदिम से अधिकारी बना देते हैं। सभी का 5 वर्ष बनाए सभी के लिए वो 5 वर्ष लागू होता है, सबके लिए नंबर वन है। कौन से काउंट होगा? कब कौन सा वर्ष कौन सा मनाया गया? तो वहीं से संपूर्ण प्लानिंग की शुरुआत हुई। बाप कब आया? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब से हुआ? तो जब से बाप आया उसके बाद ही प्लानिंग शुरू होगी। अबे अपना अपना निश्चय बुद्धि बनना, देखो हमारा कब से निश्चय बुद्धि बनना शुरू हुआ। निश्चय बुद्धि बनने के बाद कहीं मर तो नहीं जाते? नहीं, है ऐसे जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते? बोलो। इसका मतलब जब तक नहीं गल मरे थे तब तक देवान था या नहीं था? पुरुषार्थ किसको करना पड़ा देवान को गलाने का ज्यादा? चढ़ाई करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो नेता जो बहन जी जो क्वेश्चन किया था वार्तालाप में सुना है लक्ष्मी नाम के बारे में है, तो आप बोला नारायण को देवान लगा। नारायण को अहंकार किसको ज्यादा होता है? पुरुषों को ज्यादा होता है, कन्या माता को ज्यादा होता है? अहंकार किसको ज्यादा होता है?
अब जिसको देह अहंकार ज्यादा होगा वो दूसरे को कंट्रोल करना चाहेगा। देह अहंकार नहीं होगा तो कंट्रोल रह करके भी संतुष्ट रहेगा। वो जो नारायण बनने वाले की बात है कि नारायण बनने तक उसने क्या पुरुषार्थ किया, जो चारों तरफ घेरा दिखाया गया है प्रकाश का, वो संपूर्णता के अवसर तक का प्रकाश है या उसके बाद वाला है? जब तक पुरुषार्थ किया तब तक ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहता है। पुरुषार्थ पूरा हो गया और ज्ञान के प्रकाश में रहने की दरकार नहीं, देवता बुद्ध हो जाते। कोशिश करके देखे थोड़ी लक्ष्मी आई तो मनुष्य है ना, पुरुषार्थ है ना लक्ष्मी तो। हाँ पुरुषार्थ पुरुषार्थी है ना लक्ष्मी तो, फिर लक्ष्मी को पुरुषार्थी है। बाप समान पुरुषार्थी कौन है? वैष्णवी देवी। वैष्णवी देवी समान पुरुषार्थी है या अर्थदेव समान पुरुषार्थी है? बाप समान लक्ष्मी कहते वो आदिम रहने वाली, वो अधिकारी बनने वाला, वो राजा बनने वाला, वो जन निर्माण कर रानी बनने वाली। संकल्प एक ही है, संकल्प एक ही है। अगर दोनों का हो तो ज्ञान युक्त संकल्प भी दोनों का एक ही होना चाहिए। प्रत्यक्ष होते हैं तो एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं या लंबे टाइम का अंतराल होता है दोनों की प्रत्यक्षता में? अंतराल होता है। और समान पुरुषार्थ तो नहीं माने जोड़ी बनती है, जोड़ी बनती है तो समान पुरुषार्थ की उनको नहीं कहेंगे। समान पुरुषार्थ की मैंने बाप समान जोड़ी का संकल्प क्रॉस नहीं होता ना मुझे। वो ठीक है, युगल के रूप में संकल्प एक दूसरे के एक दूसरे में मर्ज होते हैं, एक दूसरे को सहन करते हैं। लेकिन समान पुरुषार्थ ही जहां कहा जाएगा वहां राजा ही होना चाहिए दोनों को। आधीनता की बात नहीं होनी चाहिए। बाप पाठ भजन करता है तो फिर बाप का पाठ भजन सकता है। हाँ, तो फिर इसलिए बोला में कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। लेकिन क्यों रुके हुए? बच्चों से क्या कराना चाहते हैं? बच्चों से सड़क का गेट खुलवाना चाहते हैं। और बैराग स्वर्ग है, है? में बताया कि कर्फ्यू पहुँचते पहुँचते कर के नशा ही हो जाएगा। हाँ, अगर उल्टी उल्टी चार चलेंगे तो नशा हो जाएगा। और जैसे चलाते हैं चलाना चाहते हैं वैसे ही चार चलेंगे तो नशा दिंदुना रात चौगुना करता चला जाएगा। नारायणी नशा दिंदुना रात चौगुना चढ़ेगा या उतरेगा? आपको कैसे करते हैं कि जो बात कराना चाहता है वैसे ही हम कर रहे हैं? हाँ खुशी बढ़ेगी, एक ही आधार है बस। कैसे बढ़िए तो स्थूल रूप से भी हम गुण नशा चढ़ती है। हाँ वो नशा, वो नशा अल्पकाल का होता है। जो स्थूल शराब होती है वो थोड़े समय के लिए नशा कराती है और जो अविनाशी नशा है वो सदाकाल के लिए होता है। माया का माया के वशीभूत तो तभी होते हैं ना जब माया की तरफदारी खुद लेते।
माया की तरफदारी न रहे, बाप की ही तरफदारी लेते रहे तो माया हमारे ऊपर हावी कैसे हो जाएगी? हिम्मत है बच्चे, मत दे बाप, संकल्पों में भी अगर हिम्मत करते रहेंगे तो संकल्पों में भी बाप की मदद मिलती रहेगी। और हीरा भाई जड़मूर्ति के याद में किसी पर जिंदा रह सकती है? हीरा भाई हाँ जड़मूर्ति के याद में किसी का जिंदा रह सकती है तो हाँ चैतन्य जीवभावों को याद करके पूरी तरह माया की स्थिति में पाती है। मीरा कौन है और मीरा पार्ट किसका है? अगर ये नहीं समझा है तो इस प्रश्न का जवाब भी नहीं समझा है। अगर ये समझ लिया कि मीरा दासी कौन है तो इसका जवाब भी बुद्धि में आ गया। मीरा मीरा दासी कौन है? भक्ति माला की शिरोमणि है। भक्ति माला की शिरोमणि कहा जाती है? हाँ वो तो भक्ति मार्ग की, जब भक्ति मार्ग का चलता था तब भक्ति मार्ग की शिरोमणि थी, अभी कहाँ की शिरोमणि होगी? मीरा दासी ने भी पिया, वो भक्ति मार्ग की बात है, कुल विष की बात है। यहाँ ज्ञान मार्ग में कौन सा विष होता है? विकारों का विष। वो कौन सी देवी है जो पीछे है? काली। हाँ माँ काली जो है वो विकारों का विष पीती है, और जो विकारों का विष पीती है फिर भी जीवित रहती है। लोग कहते हैं नहीं यार डूबी कि डूबी, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? नहीं यार डूबेगी लेकिन डूब नहीं सकती। जैसे शिव को शंकर को तीसरी नेत्र दिखाया जाता है, वैसे महाकाली को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। इसलिए विष्णु चतुर्भुज में एक भुजा कमल फूल दिखाया गया है। कमल फूल क्या करता है? कीचड़ में रहता है, कीचड़ की दुनिया में रह करके बच्चों की पालना करके हुए उपराम रहता है, बुद्धि राम के पास रहती है, ज्ञान में सबसे तीक्ष्ण रहता है वो नेत्र। कोई कन्या माता उस नेत्र का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए महाकाली को जगदम्बा कहा जाता है, जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। सारे जगत की अम्मा है, जगत को पालती भी है। वो दीदी दादियां तो अभी जगत को नहीं पाल रही, वो तो सिर्फ टाइटल रखवाती है क्या, वर्ल्ड मदर। वो सिर्फ एक कहने मात्र के लिए है वर्ण मदर, सारा जगत उनकी पालना में नहीं पड़ता है। जैसे आज के सन्यासी लोग टाइटल धराई लेते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, सारे जगत उनको गुरु मानता है क्या? भारत के अंदर ही 4 शंकराचार्य है, जगत की तो बात ही नहीं। वो है भक्ति मार्ग और यहाँ है प्रैक्टिकल ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहना कहना होता है और ज्ञान मार्ग में सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। सिर्फ कहने की मात्र की बात नहीं है जगदम्बा, प्रैक्टिकल में काम करके दिखाती है। इसलिए सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा। पांच विशेष आत्मा है ना, ब्रह्मा बाबा, भोला देव बाबा,
जो ज्ञान पे इतना जल्दी क्यों नहीं पैसा ले पाते हैं आत्मा है ना साधारण ज्ञान केंद्र समझ पा गए समझने में पांच विशेष आत्मा ज्ञान नहीं समझ पाती समझने पास है ना नंबर वन है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि उनमें कुछ आत्माएं ऐसी है जो आधारभूत है कुछ आत्माएं उदारभूत है आधारभूत माने क्या जड़े जिन जड़ों के ऊपर पूरा वृक्ष सधा हुआ है और बीज रूप माने क्या नॉलेज के बारे में अरे बात तो समझो आधारभूत ऊंचे हैं या उद्धारभूत ऊंचे उद्धार माने माने ऊपर हर माने हरण करके जो सबकी बुद्धियों को हरण करके ऊपर ले जाए वो है उद्धारभूत तो जो उद्धारभूत आत्माएं हैं उनमें जगदम्बा जी जो रुद्रमाला की मुखिया है कन्या माताओं के बीच में और राम बाप तो है ही है और कुछ आत्माएं ऐसी है जो आधारभूत है जैसे ब्रह्मा की सोल जैसे ओमराजी की सोल जैसे राधा की सोल तो अंतर तो पड़ेगा ना आगे पीछे होने में एडवांस नॉलेज कैसे नहीं समझ पा रहे एडवांस नॉलेज कैसे समझ नहीं पा रहे रंग का रंग है रंग की बलिहारी है परंतु पांच विशेष आत्मा नाम पांच विशेष आत्मा है उनमें भी तो ग्रुप है ना कोई विशेष ग्रुप है जो ज्ञान के आधार पर चलने वाली है कोई विशेष ग्रुप है जो ज्ञान को उतना महत्व नहीं देती है प्यार को महत्व देती है स्नेह को महत्व देती है इसने ही आत्माएं तो इसने ही आत्माएं आगे जाएगी या ज्ञानी आत्माएं आगे जाएगी ज्ञानी आत्माएं आगे चली जाएगी ज्ञान बाप से आता है इसने देहराई से आता है इसलिए उठा है बाबा क्योंकि हम भी इतना तक हम ज्ञान को समझ पा रहे हैं क्योंकि उतने फिर साधनाएं में ही ज्ञान समझने में फर्क है तो हम जो बच्चे हैं हम भी कितना बात समान हम समझ पा रहे हैं क्योंकि जितना समझेंगे उतना ही हम चल पाएंगे इसलिए जरूरी नहीं है कोई समझ ज्यादा लाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कम ला पाते हैं समझने में बहुत ऊंचे आ रहे हैं समझाने में भी बहुत होशियार है लेकिन ऐसे टीचर से जो समझने और समझाने में बहुत सीखे है उनसे समझने वाले उनसे आगे वाला पद ले लेते ऐसा होता ही नहीं टीचर ही बन करके रह जाएंगे सत्युग में और उनसे पढ़ाई पढ़ने वाले उनके ऊपर राज्य करने वाले बन जाएंगे बाबा सर कहने का आधार समझ है ना बाबा जब तक हम समझते नहीं तब तक हम चल नहीं पाते ना एक होता है सुनना एक होता है सुनकर समझना कोई समझ भी लेते सुन भी लेते हैं समझ भी लेते हैं लेकिन फिर मानते नहीं क्या ऐसे होते हैं नहीं सुनते भी है समझते भी है लेकिन मानते नहीं कोई ऐसे है सुनते भी है
समझते भी है मानते भी है लेकिन चल नहीं पाते। तो सब बातें होनी चाहिए और अब जैसे आने में बुढ़ा मॉर्निंग कहते हैं जबकि शाम को 6-7 बजे से आना शुरू करते हैं और सुबह कभी कभी 4-5 बजे तक वो आगे से वाली चलती रहती है तो सवेरे को गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग नहीं करते ऐसे 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 बच्चों को याद किया वो भी सीमा डाल देते हैं सबको नहीं। और गुड मॉर्निंग तो करते ही नहीं पूरा संगम भी मात में है ना है पूरा संगम भी वो मात में है ना तो है संगम युग तो मार्निंग है लेकिन कोई कोई आत्माएं हैं वो मार्निंग नहीं देख पाती इन आंखों से देख पाती है क्या जो अंत तक चंद्रवंश के पक्के रहेंगे चंद्रवंश में ही जाके जन्म लेंगे सूर्यवंशी नहीं बन पाएंगे। तो इन आंखों से स्वर्ग को देखेंगे क्या मॉर्निंग को देखेंगे मॉर्निंग को देखेंगे ही नहीं तो उनके मुख से गुड मॉर्निंग निकलेगा भी नहीं। और ऐसा भी हो सकता है क्या कि आधा समझे और पूरा समझे आधा समझे हाँ पूरा चल सके पूरा पूरा श्रीमत पर चल सके आधा समझे और पूरा श्रीमत पर चले ऐसा भी हो सकता है ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा आधा समझे और पूरा श्रीमत पर चले क्या पूरा समझेंगे समझ माना ज्ञान समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। पूरा ज्ञान ही नहीं बना तो पूरा चलने का सवाल ही फिर वही रुकता है बाबा कि मैं कितना समझ पा रहा हूँ ज्ञान को मैं पूरा चल पाऊँ मैं कितना समझ पा रहा हूँ ये जानने का इच्छा है क्योंकि जब तक मैं पूरा नहीं समझ पाता तब तक मैं पूरा चल नहीं पाता। मना किसने किया समझने के लिए समझने के लिए कोई मना तो नहीं कर रहा है पर मैं कैसे स्पर्शों की जो मैं समझा हुआ तो वो सही है क्या दर्पण क्या है वो वेरीफाई करने वाला मर गया क्या अच्छा बाप को समय नहीं दे पाएंगे दुनिया वालों को समय दे पाएंगे बाप को सबको समय देना पड़ेगा बाप कितने सब तैयार है सब बाप का समय देना चाहते हैं चाहते हैं लेकिन करते हैं क्या चाहना बात अलग होती है और करके दिखाना बात अलग होती है। चाहने वाले बहुत होते हैं और बोलने वाले भी बहुत होते हैं फिर करके दिखाने वाले नंबर बार निकलते हैं। और बन आने के लिए
एक के लिए कितना समय लगेगा बोल रहे हैं एक 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 आने के लिए कितना समय लगेगा उस समय पहले से बताया जाता है क्या इसी तारीख तो नहीं की नहीं जाती अप्रोक्सीमेट बताया जाता है पहले बीज रूपों के ऊपर लागू होनी चाहिए हर बार या आधार ऊंचों के ऊपर लागू होनी चाहिए पहले बीज होता है या आधार रूपी जड़े होती है तो किसके ऊपर लागू होना चाहिए बीज के ऊपर पहले लागू होना चाहिए मगर क्या सूक्ष्म शरीर का तो 12% गायन नहीं होता सूक्ष्म शरीर का गायन वरिष्ठों का गायन तो विदेश में होता है विदेशी लोग मानते हैं क्यों वो देवता को नहीं मानते वो देवता बनते ही नहीं और भारतवासी तो देवता बनते और भूत प्रेतों की पूजा करना अच्छा नहीं समझते मैं विद्या कहते तांत्रिक विद्या कहा कैसे लागू होगा वो उनको समझाता ही नहीं लागू क्यों होगा उनको लागू ही नहीं होता जो आदमी मौजूद हो प्रैक्टिकल में जिंदा हो उसके लिए लागू होगा या जो है ही नहीं उसके लिए लागू होगा अरे सुधार जो आदमी जीवित होगा उसका सुधार होगा या जो जीवित है ही नहीं उसका सुधार माना जाएगा जिंदा है उसका मान जाएगा और ब्रह्मा बाबा दिल्ली है क्या दिल्ली के लिए बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है परंतु ब्रह्मा मम्मी भी नहीं मानेगा ठीक है जो बीज है वो बीज का सुधार भी जरूरी है और धरणी का सुधार भी जरूरी है जब कोई फसल बोई जाती है तो ऐसे नहीं कि बीज को ही परिष्कृत किया जाता है धरणी का भी सुधार किया जाता है भुरभुरी की जाती है जमीन अगर सूक्ष्म से करते हैं तो पुरानी दुनिया का प्रभाव लगता है सूक्ष्म सूक्ष्म से करते जो भी जैसिक में से शरीर छोड़े हैं उनको ये पुरानी दुनिया का रंग लगता है प्रभाव लगता है क्यों नहीं लगेगा उनको संघ का रंग नहीं लगता है अगर संघ का रंग नहीं लगता है तो ब्रह्मा की सोल राम की आत्मा में प्रवेश करके ज्ञानी बनती है या नहीं बनती है वही ज्ञान के एडवांस के पॉइंट गुलजार दादी के द्वारा जाकर के बोलती है या नहीं बोलती है कोई बात नहीं मानती सब बात नहीं मानती ऐसे तो नहीं कहा जाएगा कोई बात का संस्कार ऐसा भरा हुआ है प्रेत जन्मों का कि गीता का भगवान कृष्ण सुभाष में परिपक्वता है वो बात नहीं मानती उनका पूछा कैसा ब्रह्मा बाबा को छोड़ के और आत्मा है जो आत्मा है इंस्पिरेटिंग पार्टी की है उनमें अपर नंबर है ब्रह्मा की सोल उनके अलावा और जो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं हैं उनके लिए क्या उनका संकल्प कैसे रखता
सब इकट्ठे होंगे और सब एक दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे और सब इकट्ठे होकर के मीटिंग करेंगे। जिन शरीरों में प्रवेश किया है वो भी मिलेंगे और जो प्रवेश करने वाले हैं वो भी मिलेंगे, तो एक दूसरे का संग रंग नहीं लगेगा और पूर्व जन्म का अटैचमेंट नहीं आवेगा। कोई की बात मानने के लिए कोई पहले से ही अटैच हो किसी के साथ तो किसकी बात मानेगा? जिसके साथ पहले से ही अटैच हुआ पड़ा है उसकी तरफदारी लेगा? जैसे ब्रह्मा बाबा की गोद का जिन्होंने अनुभव लिया वो ब्रह्मा बाबा की तरफदारी ली, और जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की गोद का प्रैक्टिकल में अनुभव ही नहीं लिया वो किसको सपोर्ट करते? रामली आत्मा को सपोर्ट करते। तो रंग का रंग नहीं लगता है ये नहीं कहा जा सकता, जरूर लगता है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी संग का रंग लगता है। अगर उनको संग का रंग न लगे तो 16 कला संपूर्ण की स्टेज में पहुंचेंगी भी नहीं। ओमराजे मम्मा जो है वो अंत में अपना आधार स्वरूप पकड़ेगी संपन्न रूप से या पहले ही पकड़ेगी? अंत में पकड़ेगी। जब अपने आधार को परिपूर्ण रूप से पकड़ेगी तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। और मेरा पास याद कर दिया दुनिया को गर्व कर दिया है। हैं? मेरा पास याद कर दिया। हाँ, दुनिया को गर्व कर दिया है। कितने धर्मों को धर्म कहाँ कर पाए? धर्म गुरु लोग दुनिया के धर्मों का ध्वंस भी कहां कर पाते हैं? सारे धर्म तो चल रहे हैं। तब धर्मों का अगर ध्वंस ही नहीं कर ले रहे इतनी ताकत आ जावे कि पुरानी कुरीतियों पुरानी परंपराओं पुरानेपन का नाश कर दे तो फिर उनकी स्थापना हो जाएगी हमेशा की? उनमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि पुराने पर का नाम कर सके। आपने अपने धर्म का स्थापन किया, अपना धर्म स्थापन किया और उसके फॉलोअर्स ने उस धर्म का विकृत रूप कर दिया। लक्ष्मी ने तो मेरा पास भी याद करके है छोटी मम्मी तो सिर्फ मेरा पास कोई सरल करते निराकार को सरेंडर है, बिंदु को सरेंडर, ब्रह्मा के परिवार को नहीं मानती मानती है। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि निराकार को सरेंडर है? पार्वती जो हिमालय की पुत्री है वो अपने परिवार को नहीं मानती, परिवार की डायरेक्शन में नहीं चलती है, परिवार के डायरेक्शन परिवार की जो मुखिया मैना है उसकी बात नहीं मानती। मानती पति का तो बात नहीं मानती ना है, पति का बात नहीं मानती। और पति पहले होता है कि पहले माँ बाप होते हैं? पहले कौन होता है? जो कन्या अपने माँ बाप को ही नहीं मानेगी वो फिर पति को मानेगी? विदेशी कन्या माँ बाप को ही नहीं मानती, निकल जाती है बाहर, अपना पति अपने आप ढूंढने लग पड़ती है। शादी के बाद तो पति भगवान है ना? है? शादी के बाद पति भगवान है वो मेंबर हो गया क्या? क्या चाहते हो पहले में ही?
पहले से शुरुआत कर ले तो विदेशी बन जाएगी या स्वदेशी हो गई डिक्लेयर जिनके लिए हो गई उनके लिए हो गई चंद्रमा क्यों लिए डिक्लेरेशन हो गया क्या जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार में उनके लिए डिक्लेरेशन हो गया उन्होंने स्वीकार कर लिया क्या अरे ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी वाले सूर्यवंशी हैं उन्हीं के लिए तो डिक्लेरेशन हुआ है आप मानते तो आप सूर्यवंशियों की लिस्ट में आने वाले आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे वो तो चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी चंद्रवंशी पार बनाने वाली सती हनुमान जो है सती सती जो दक्षिणी में स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेती है तो ये शूटिंग आदि की है आदि की नहीं है सती पहले जन्म में है या पार्वती पहले जन्म में सती पहले जन्म में सत्य का पल्ला अपनाने वाली सच्ची गीता और पार्वती पार लगाने वाली अगले जन्म में शूटिंग साई की शूटिंग वो शूटिंग कब की ये भी कब से रखा जाता है आदि ये भी रखा जाता है कभी तो स्वाहा होती है साथा में की शूटिंग ना दी जाती है साथा में की शूटिंग 36 से लेकर के 47 क्या चार साथा में की हाँ क्या नहीं क्लियर हुआ ये कि आज में वो असत्य पाठ बजाती है क्या सत्य पाठ नहीं बजाती ठीक गंगा बहुत सेवा की ना गंगा ने बहुत सेवा की सर के ऊपर चढ़ा लिया लेकिन सरस्वती जी का कहना गले में यहाँ बाप को इसका मतलब वो तो ऐसे ही चिपटे रहते हैं सेवा भी करते हैं तो सेवा दारी बच्चों को बाप गले लगा लेते बाप को सेवाधारी बच्चों से प्यार है ये नहीं देखते ये भिखारी है जो जिस नंबर से पालनदार जाते हैं तो उसके नंबर से नीचे आती है ऐसा बोलेगा ना बाबू जो जिस नंबर से पालनदार जाते हैं वो उसी नंबर से नीचे आते हैं पृथ्वी पर नीचे आएंगे तो रामा जी आपका लास्ट में जाते हैं कि अपने आते हैं कहाँ लास्ट में जाती है परम धाम कैसे बच्चों को पहले बच्चों को पहले बच्चों को भेजती है बाप बच्चों को साथ लेके जाएगा या बच्चों को पहले परम धाम भेज देगा पहले बाप के घर में बाप चाहिए पीछे बच्चे डालेंगे बच्चे जब सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होंगे तब तक इकट्ठे होते रहेंगे
जब तक लास्ट एक्सप्रेस नदी का विस्फोट नहीं होगा, पांच सात रोज में धार 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 जैसे दिवाली पर वो बम छोड़ते हैं ना बच्चे छोटे मोटे, तो छोटे रहते हैं, जब देखते हैं सब छोटे छोटे थक जाते हैं तो सारे मिलकर था आग लगा देते हैं। पांच सात रोज के जो धमाके होंगे उसकी बात है, उनकी अकाल मौत होगी। इतने इतने बड़े बड़े विस्फोट शहरों में होते रहेंगे एक एक करके, तो अकाल मौत नहीं होगी, अकाल मौत होगी। तो जितनों जितनों की अकाल मौत होगी वो सूक्ष्म शरीर से विचरण करेंगे या स्थूल शरीर रहेगा उधर, सूक्ष्म शरीर रहेगा, ढेर सारे सूक्ष्म बसन में इकट्ठे हो जाएंगे। स्थूल शरीर से रहने वाले सच्ची पर सारे चार लाख है, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब सारा सूक्ष्म मतलब हो जाएंगे भूत प्रेत।